स्कीम है उसको मुआवजा दिया जाए। जब दिल्ली डिफेंस कर्मी प्रवेश करवा के 1 करोड़ रुपये मिल सकता है तो फिर राबिया सैफी को क्यों नहीं? और आखिर इतना इंसेंसिटिव हो गया मुख्यमंत्री कि मिलने तक नहीं आया वो, किसी परिवार से नहीं मिला। यही वो मुख्यमंत्री है जो निर्भया के मामले में इसने आसमान तक उठा लिया। हम लोग जाकिर नगर ढलान तक जाना चाहते हैं, पर पता नहीं आपको पुलिस को, जबकि हमने बहुत लड़ दिया है, हम जाकिर नगर ढलान तक जाएंगे। हाँ बिल्कुल रोका जा रहा है, यही तो बर्बरता है, यही जो जो हमारे खिलाफ जो जुल्म है पुलिस का सरकारों का, इसी के खिलाफ तो हम निकले हुए हैं। यही है वो पॉइंट, इसी पॉइंट के साथ हैं हम। आपके पास परमिशन नहीं है क्या? नहीं, हमारे पास, हमने बाकायदा परमिशन दी हुई है, हमने बिल्कुल इन्फॉर्म किया हुआ है उनको। नहीं, हमने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि हम ये निकालेंगे और हम इसे निकालने के लिए खड़े हुए हैं। बारिश होगी ना। 21 साल की राबिया सैफी के इंसाफ के लिए लगातार पूरे देश भर में आवाज़ें उठ रही हैं। 21 साल की राबिया सैफी दिल्ली डिफेंस में काम करती थी, SDM ऑफिस में उनकी जॉब थी। उनको कुछ दिन पहले मार दिया गया और घर वालों की आशंका है कि राबिया के साथ रेप भी हुआ है। तो लगातार जिसके लिए उस राबिया के इंसाफ के लिए उसके कातिलों को फांसी की मांग की लगातार आवाज़ें गूंज रही हैं। आज दिल्ली में जामिया नगर बटला हाउस पहलवान चौक से दिल्ली AIMIM कैंडल मार्च निकालना चाहती थी और ये कैंडल मार्च ढलान तक जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कहीं कहीं इनको रोका गया। हम ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ तक जाएंगे। ये रैली अभी बटला हाउस चौक पर पहुँच गई है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। लगातार लोगों का कहना है कि राबिया के कातिलों को फांसी दो, इनकी लगातार मांग है कि राबिया के कातिलों को फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना दिन वक्त गुजर गया, देश की नेशनल मीडिया अभी तक खामोश है, अभी तक राबिया सैफी के लिए इंसाफ की आवाज़ नहीं उठाई गई। वो राजनेता जो लगातार हर बात पर ट्वीट करते थे, आज कई दिनों से खामोश हैं और राबिया के लिए एक ट्वीट तक नहीं किए हैं। देखिए लगातार कई लोग हैं, इनके हाथों में बैनर भी है जिसपे लिखा हुआ है कि राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस फॉर राबिया। लगातार इनका कैंडल मार्च आगे बढ़ता जा रहा है और ये बटला हाउस चौक पर पहुंचे हुए हैं और इन्हें कई बार रोकने की पूरी कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस लगातार इनको रोक रही है। जब हमारी बात कलीमुल हफीज से हुई, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें जाकर नगर ढलान तक जाना है, हमें जनता को अवेयर कराना है कि आखिर अब एट्रोसिटीज हो क्या कह रही हैं, क्यों नहीं सरकारें जाग रही जब हम उनसे कह रहे हैं, क्यों नहीं जाग रही वो, तो उसी के लिए, उसी मांग के लिए परमिशन नहीं ली थी दिल्ली पुलिस से? नहीं, परमिशन हमने इन्फॉर्म किया हुआ है, बाकायदा वेल इन्फॉर्म्ड है। लेकिन जो लगातार अभी तक राजनेता जो हर बात पर ट्वीट करा करते थे, निर्भया जैसा कांड हुआ है राबिया के साथ, अभी तक कोई नहीं बोल रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारा यही कहना है कि क्यों नहीं बोल रहे वो मुख्यमंत्री हमारे वोट से बना है, जब हम पे तकलीफ आ रही है तो क्यों नहीं है वो हमारे साथ, तो आना चाहिए हमारे साथ। उसे मुख्यमंत्री को जब हमारे वोट लेने आ सकता है तो भाई तकलीफ में क्यों नहीं आ रहा, यही तो मांग है हमारा, हम उसका इस्तीफा मांग रहे हैं। ये दिल्ली MIM के प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज साहब हैं जो लगातार कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हमारी वोटों से मुख्यमंत्री बने दिल्ली में, अभी तक राबिया के लिए एक आवाज़ नहीं उठाए, और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि राबिया के कातिलों को फांसी दी जानी चाहिए, और हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि ताकि लोग घरों से निकल कर आएँ और राबिया के इंसाफ की मांग करें। लगातार देश भर में राबिया के इंसाफ के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएँ भी इसमें शामिल हैं और लगातार ये नारा लगाया जा रहा है कि राबिया के हत्यारों को फांसी दी जाए और राबिया तेरे हत्यारे अभी तक जिंदा हैं, लगातार ये नारे लग रहे हैं। लोगों की एक बड़ी भीड़ है, अभी भीड़ पीछे रुक गई है और बाकी लोग जाकिर नगर ढलान तक जाना चाहते हैं। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें, हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।